आगे शुरू करते हैं। उसके बाद होता है लोकल एरिया बैंक। तो आरबीआई लाइसेंसिंग की जब बात कर रहा था तो लोकल एरिया बैंक है, तो लोकल एरिया बैंक को भी लाइसेंस जारी करता है। इसमें कुछ खास लिखा नहीं है आपकी बुक में, और केवल एक चीज़ है, लोकल एरिया बैंक को इन्होंने एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में बाउंड किया हुआ है, तो उनको उन्होंने लोकल एरिया बैंक का नाम। अगली बात आती है इसमें कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। देखो आरबीआई का डिस्क्रिप्शन है, वो किसी का लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है अगर उसे लगता है कि वो उसकी बात नहीं मान रहा है। इसमें एक क्वेश्चन जो आ सकता है, अगर उसने कैंसिल कर दिया तो आप यानी बैंक अपील कर सकता है 30 दिनों के अंदर। जब कैंसिल कर दिया तो उसके बाद वो अपील को कर सकता है आरबीआई को कि भैया हमारा लाइसेंस क्यों कैंसिल किया हुआ है, ठीक है। और ये जो कैंसिलेशन की पावर है ये कहां पर है, ये 22 में है। सेक्शन किसमें है, सेक्शन 22 में। क्यों है, क्योंकि सेक्शन 22 में ही लाइसेंस के बारे में बात करी गई है, तो सेक्शन 22 में ही उन्होंने सारा डिस्क्राइब किया हुआ है। और सेक्शन 22 में जब वो लाइसेंस कैंसिल कर लेगा, और इसमें कुछ खास नहीं, केवल एक अपील वाला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपने सुना होगा कि अभी नई गाइडलाइंस बुक में आपके 300 करोड़ लिखा हुआ है, लेकिन ये है 500 करोड़, ये चेंज हो गई है। तो 500 करोड़ नए बैंक के लाइसेंस के लिए प्राइवेट सेक्टर में चाहिए था, और पिछले 3-4 साल पहले अभी किया था दो, एक तो बंधन बैंक है और एक IDFC बैंक है, इनको दोनों को लाइसेंस दिया था, इन प्रिंसिपल लाइसेंस दिया था, और बाद में उन्होंने फंक्शनिंग जो है शुरू कर दिए। अब आया उसके बाद ब्रांच लाइसेंसिंग। देखो ये अभी तक हमने लाइसेंसिंग किसकी बात करी, ये हमने लाइसेंसिंग बात करी केवल अभी बैंक्स को, कि बैंक कह रहे हैं कि हमें जो है काम करने दो। अब बात आई ब्रांच, अब क्या आई ब्रांच की लाइसेंसिंग। तो ब्रांच की लाइसेंसिंग के बारे में 4-5 बातें मैं बता दूं, कि एक बात तो यह है बैंक ऑल ओवर ईयर में जितनी प्लानिंग कर रहा है ब्रांच की, उनकी एक ही बार में चिट्ठी आरबीआई को देता है, और वो पूरे साल का एक बार होता है। पहले क्या होता, बहुत पहले होता था हर ब्रांच के लिए अलग होता था, अब ये रूल चेंज हुए क्योंकि बैंकें जो है ब्रांचें बहुत खोल रहे हैं, तो इसलिए क्या है पूरे साल का कैलेंडर ले लेता है, और जो लाइसेंस मिला है उस ब्रांच का उस लाइसेंस को उसे यूज भी करना होता है। अगर वो यूज नहीं करेगा तो लाइसेंस क्या हो जाता है, कैंसिल होता है। आपने सुना होगा कि नहीं वो ब्रांच का लाइसेंस खत्म होने वाला था इसलिए जल्दी से यहाँ ब्रांच खोल दी, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पहली बात बोली इसने सेक्शन 23 में आ गया है प्लेस किस जगह पर ब्रांच खोलनी है, और जिस जगह पर ब्रांच खोलनी है उसकी लिमिटेशंस क्या है, उस लोकेशन में वो ब्रांच कहीं पर भी खोल सकता है, एकदम पर्टिकुलर स्ट्रीट नहीं आएगा, एक छोटा सा इलाका जहां पर वो अपनी ब्रांच खोल सकता है। और इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ बिजनेस में नो नीड सच परमिशन, कहने का मतलब ये है अगर लोकेशन चेंज कर रहा है वहीं पर, मीन्स पहले से लाइसेंस लिया है ब्रांच चल रही है सिर्फ लोकेशन इधर से उधर कर रहा है विद इन द सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में, तो उसे कोई परमिशन लेने की नहीं जरूरत है। और ये सारी रिक्वेस्ट विद इन 1 ईयर होगी। फिर बोलता है परमिशन वुड बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर विच द ब्रांच शुड बी ऑपरेशनलाइज्ड। खोलने का मतलब समझे, दीवार बनाना है या बोर्ड लगाने से ऑपरेशन है, वहां ब्रांच चल जानी चाहिए, ठीक है। आगे है इसकी बात कि नई ब्रांचों के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन के लिए पहले बोला कि फाइनेंशियल कंडीशन किसकी, आपके बैंक की फाइनेंशियल कंसिडरेशन कैसी है, कंडीशन कैसी है, अगर अच्छी होगी तो बात करेगा, और आपका मैनेजमेंट पे बात करेगा। अगली बात वो बोलता है एडिक्वेसी, एडिक्वेसी किस चीज की, देखिए ये बात वर्ड आपको पूरे एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलेगा, एडिक्वेसी, एडिक्वेसी ऑफ किसकी, हमेशा जब भी एडिक्वेसी आएगा तो हमेशा आएगा एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल आएगा, हमेशा आप ध्यान के एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल, इसको हम बेसल नॉर्म्स के तरह भी देखते हैं, ठीक है। उसके बाद है पब्लिक इंटरेस्ट, ये हमने बार बार बता दिया कि बैंकिंग बिजनेस के लिए क्या है पब्लिक इंटरेस्ट, यानी आप बैंक किसके लिए खोल रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के लिए खोल रहे हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट होना जरूरी है, अगर आप वो नहीं करें तो नहीं मिलेगा। अच्छा,
एक बात और इसने बोली है कि इंस्पेक्शन जो होता है वो इन सब चीजों के लिए ब्रांच जो करनी है खोलने के बाद ऑपरेशन चेक करना है या लोकेशन को इंस्पेक्ट करना है या आपका स्ट्रॉन्ग रूम इंस्पेक्ट करना है तो वो पावर 35 में दी गई है। और ये 35 वाला आप ध्यान रख लें, बहुत सारे आंसर के लिए आंसर है 35, ठीक है। तो इसमें बोलता है दिस मे बी डन बाई एन इंस्पेक्शन ऑफ ए बैंक अंडर सेक्शन 35 और अदरवाइज, ठीक हो गया। अच्छा अब बात आती है रूरल बैंक के लिए, तो हम जब बात कर रहे हैं आरआरबी है तो एक क्वेश्चन मेरा है कि आरआरबी का न्यू आरआरबी बनना है तो कैसे बनेगा, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या आरबीआई है, स्पॉन्सर्ड बैंक है, और एक बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नाबार्ड, ठीक है। तो आपकी बुक में लिखा हुआ देखिए, ये देखिए ये लिखा हुआ है कि परमिशन हैव टू बी रूटेड थ्रू नाबार्ड, और आगे लिखा हुआ है कि एंड द नेशनल बैंक हैज टू ऑफर इट्स कमेंट्स ऑन मेरिट टू द आरबीआई। क्या बोला इसमें देखिए, फिर मैं पढ़ा हूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन द केस ऑफ रीजनल बैंक द एप्लीकेशन फॉर परमिशन हैव टू बी रूटेड थ्रू द नेशनल बैंक, यानी नाबार्ड नाम दिया है, और वो ऑफर करेगा, कमेंट देगा, और कमेंट के बाद क्या होगा, रिजर्व बैंक उसको लाइसेंस दे देगा, ठीक हो गया।